सिंचाई विभाग में काम धाम हुआ ठप। कर्मचारी और अधिकारी आए आमने सामने। कर्मचारियों ने बंद किया काम। वेतन न मिलने से फूटा कर्मचारियों का गुस्सा। सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके वेतन से कटौती की जा रही है और कुछ लोगों को वेतन ही नहीं मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने काम बंद करते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भाई मोहम्मद मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बहादुर साथियों, जैसा कि हम सबको आज बहुत ही परेशान होने के बाद धरने का। सिंचाई विभाग में कर्मचारी संघ के मोहम्मद हैदर रिजवी के मुताबिक अधिशासी अभियंता राम प्रकाश प्रजापति की हरकतों से कर्मचारी खासा नाराज हैं। पिछले काफी अरसे से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिकारी मनमाने तरीके से उनका वेतन काट रहे हैं और बार बार उनको मांगों के लिए जो है लिखा जा रहा है, जिसमें से एक समस्या श्री राजेश कुमार के वेतन की है। वो फरवरी में जो है 50% काटा गया, वो भी काटा कब गया, जब उसने चार्ज दे दिया था। उसमें ये बताया गया कि आपने चार्ज नहीं हस्तगत कराया गया था, इसलिए वेतन काटा जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतना समय बीतने के बाद अल्प वेतन भोगी कर्मचारी 50% अपना वेतन के लिए उसको दरी पे बिछानी पड़ रही है, अच्छा सी अभियंता से संघर्ष करना पड़ रहा है। अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि कर्मचारियों को एक साल के अंदर कंप्यूटर टाइपिंग सीखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन सरकारी नियम के हिसाब से एक साल गुजरने के बावजूद किसी भी कर्मचारी को कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आई। इनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पर मृतक आश्रित के रूप में 4 कर्मियों की भर्ती की गई थी। उनकी नियमावली में ही उल्लेख किया गया है कि यदि ये एक साल के भीतर टाइप टेस्ट टंकण की गति प्राप्त नहीं करते हैं तो इनका वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। क्योंकि ये 4 साल से भी ज़्यादा हो समय हो चुका है, तो मैंने यहाँ आकर के इनका टाइप टेस्ट करवाया। ये टाइप टेस्ट में सब के सब फेल हो गए। जब ये फेल हो गए तो उनका वेतन वृद्धि रोक दी गई है। तो इस वेतन वृद्धि के रोकने के कारण से ये लोग काफ़ी नाराज़ हो गए कि हमारी वेतन वृद्धि क्यों रोक दी गई है, जबकि इनके अपॉइंटमेंट लेटर में ही इस चीज का उल्लेख किया गया था। जहां अधिकारियों ने कर्मचारियों पर कंप्यूटर टाइपिंग न सीखने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग में काम करने के लिए कंप्यूटर है ही नहीं, तो भला कोई कर्मचारी कंप्यूटर कैसे चला पाएगा। कुछ सदस्य थे हमारे जिनको इन्होंने टाइप की दक्षता के लिए कहा है, आज तक कंप्यूटर किसी को उपलब्ध नहीं कराया कि टाइप में कोई दक्षता हासिल करे। कार हमारे जूनियर सहायक से ले रहे हैं तार बाबू का, उसको कम से कम टाइप का आप देते तो उसकी दक्षता पूरी होती, आप कंप्यूटर भी उपलब्ध नहीं करा पाए। शौचालय के लिए हम मांग रख रहे हैं, आप शौचालय नहीं सही करा पा रहे हैं। आपसे हम 34% डीए एरियर के लिए हमें कहना पड़ रहा, कभी भी ये शर्म की बात है, आज तक किसी अधिकारी के कार्यकाल में डीए के लिए कहना नहीं पड़ा भुगतान के लिए। उसके बाद हमारी एक समस्या है कि सुनील श्रीवास्तव, श्री दयाशंकर मिश्रा जो है 4 साल से ज़्यादा हो गया उनकी जो है प्रोन्नत हुए, आपने आज तक जो है चरित्र पंजियों के अंतिमीकरण करना उचित नहीं समझा। कर्मचारियों का यहां तक कहना है कि अब तक कोई भी अधिकारी डीए नहीं रोकता था, लेकिन वर्तमान अधिकारी ने उनका डीए का कोई भी भुगतान नहीं किया है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के पटल बदलने से भी ये लोग खासा नाराज हैं। हमारी मासिक बैठक की कार्यवृत्ति आप संघ को नहीं देना चाहते, आप कोई भी पटल परिवर्तन बगैर जो है ट्रांसफर आधे स्थानांतरण सत्र के आप कभी भी पटल चेंज करना चालू कर देते हैं। आपने क्या मचा रखा है, आप क्या करना चाहते हैं। हम अपने इस मंच के माध्यम से अच्छाती अभियंता महोदय को अवगत करा रहे हैं कि आप इन चाटुकारों के चक्कर में ना आकर के जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको बैठ करके यहीं पे हमारी दरी पर आकर के आज ही निस्तारित करें, वरना हमको लखनऊ में आपके खिलाफ धरना लगाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राम प्रकाश की माने तो कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है और कर्मचारी अनावश्यक दबाव बनाकर काम करवाना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और चूंकि उच्चाधिकारियों को निर्देश भी है कि यदि एक्स्ट्रा वेतन दिया गया है तो उसकी रिकवरी भी कर ली जाए, तो अभी तो मात्र रिकवरी करने के आदेश ही निर्गत किए हैं, अभी की नहीं गई है। आगे जैसा भी निर्देश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई बिल्कुल नियमानुसार की जा रही है और ये लोग अनावश्यक दबाव बना करके उस चीज़ को लगातार जारी रखना चाहते हैं। यहाँ तो 10-10 साल 15-15 साल से लोग एक ही पटल पर बैठे हुए थे, अभी जब शासनादेश हुआ है कि प्रत्येक कार्मिक का पटल 3 साल के अंतर्गत चेंज कर दिया जाए,
उसके बाद ही पटल परिवर्तन किया गया है और जब आवश्यकता होती है उसके अनुरूप ही पटल परिवर्तन किया जाता है। यदि कोई कार्मिक उस कार्य किसी कार्य को भली भांति ढंग से नहीं कर पाता है तो उसका पटल परिवर्तन किया जाता है कि उस पर एक सुयोग्य कार्मिक की नियुक्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि उस कार्य को वो भली भांति संपादित कर सके। कर्मचारियों और आरोपियों के अपने अपने आरोप हैं, लिहाजा अब ये देखना होगा कि आखिर ये मामला कहां तक खींचता है और कहां जाकर खत्म होता है। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान और अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।